हेलो वेलकम यू ऑल टू अफभाव आज हम देखेंगे पायरोलुसाइट में मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड मैंगनीज ऑक्साइड को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं क्वांटिटेटिवली। पायरोलुसाइट इज एन ओर ऑफ मैंगनीज एंड जनरली इसको डाइजेशन किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में डायलूट या कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिकॉर देशन ऑफ दिसर डाइजेशन प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मिनरल बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी एनालिसिस आपको जो ओर या मिनरल मिला है जैसे कि यहाँ पे पायरलोसाइड उसको सल्यूशन में लाना है और सल्यूशन में लाने के लिए आपको चाहिए हीट और साथ में एक रि एजेंट टाइम ये रिएजेंट होता है या तो फिर एल या तो aqua regia, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लाइक नहीं तो इन एक्सट्रीम कंडीशन फ्यूशन टेक्निक और फ्यूशन हम किस करते हैं सोडियम कार्बोनेट से सो एनी वे जो मोस्ट कॉमन प्रोसेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एक्वारिजिया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड उनमें से हम एस्टेसोफुर यहाँ पे यूज करेंगे इन द फर्स्ट स्टेप सपोज वी है और डाइजेशन के बाद जो सोलूशन हमको मिला हमने उसको एक टू फिफ्टी एम एल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क तो हमारे पास अब बन गया क्या स्टॉक सोल्यूशन इसको हम बोलेंगे पायरुसाइड का स्टॉक सोल्यूशन इन द नेक्स्ट स्टेप स्टॉक सोल्यूशन से हमने ट्वेंटी फाइव एम को एक बीकर में ले लिया इन विच वी विल एड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम ऑक्सलेट एंड दिस टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट सोडियम ऑक्सलेट इस पूरे एनालिसिस का कोर रिएजेंट है तो इस बीकर पे अभी क्या क्या है यहाँ पे 25 फाइव एम एल ऑफ स्टॉक सोल्यूशन है एच डी एसोफोर है सोडियम ऑक्जोलेट सॉल्ट है जहाँ पे एना पार्टी टू माइनस अब एच डी एसोफोर के प्रेजेंस में दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं और इन दोनों प्रोबावल रिएक्शन को मैं रिडक्शन रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है एंड राइट हैंड साइड में रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है और वो लिखने के बाद हम देखेंगे कौन से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और कौन सा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों है प्रोबेबल रिएक्शन और इन दोनों में ही रिडक्शन हुआ है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन अब इनमें से कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और कौन सा बैकवर्ड में वो जानने के लिए हमें ई जीरो वैल्यू या फिर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का जरूरत है आप इस चैनल में जो एनालिटिकल केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट है वहां पे जाके रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर जितने भी लेक्चर है वो देख सकते हो जहां पे क्लियरली बताया गया है कि E0 जीरो वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा और ई जीरो कम होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन जैसे कि इन दिस केस रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है फर्स्ट रिएक्शन का सो so इसका रिडक्शन होगा क्योंकि एम एन प्लस फोर कंडीशन से प्लस टू कंडीशन में जा रहा है सो दैट इज रिडक्शन बट फॉर द सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल इज वेरी लो दैट इज इन नेगेटिव वैल्यू सो so, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्साइलेट एनायन में कार्बन इज इन प्लस थ्री स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन इज इन प्लस फोर स्टेट सो यहाँ पे प्लस थ्री से प्लस फोर ऑक्सीडेशन होगा तो ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए तो टोटल रिएक्शन क्या होगा हम पहले सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देते हैं और अब फाइनल रिएक्शन में राइट हैंड साइड का दो इलेक्ट्रॉन और लेफ्ट हैंड साइड का दो इलेक्ट्रॉन दोनों कट जाएगा सो द टोटल रिएक्शन विल बी एम प्लस फोर एच प्लस ये रहा आपका टोटल रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो स्टॉइशियोमेट्रिकली बैलेंस्ड अब आप यहाँ पे ध्यान से नोट कीजिए कि मैंगनीज डाइऑक्साइड ऑक्सलेट के साथ वन इच टू वन मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहा है ये आपको बाद में काम में आएगा ये ध्यान में रखिएगा अब प्रैक्टिकली लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार सोच के देखिए कि आपके पास ट्वेंटी फाइव एम एल था जो आपने लिया था टू फिफ्टी एम एल स्टॉक सोल्यूशन से वहां पे हमने ऐड किया था सम अमाउंट ऑफ डायलूट एस्टोसफोर इसका वॉल्यूम उतना तो 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 इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द एक्यूरेट वॉल्यूम एंड नॉर्मलिटी वी यूज फॉर ऑक्जलेट सोल्यूशन हमने जो ऑक्जलेट सोल्यूशन यूज किया है उसका वॉल्यूम है सपोज v1 ml एम एल एंड नॉर्मलिटी है n1 नॉर्मल अब आप देखो सोल्यूशन में क्या है सोल्यूशन में है मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कि पायरोल्यूसा से जो कि पायरोल्यूसाइड से आया है तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट सल्यूशन को कंज्यूम कर लेगा एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये V1 V1 ml ml नहीं रहेगा ऑक्सलेट हमने जो डाला था दैट विल बी लेस देन और हमें वही डिटरमाइन करना है सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे हम लेंगे पोटेशियम पर एक पर्टिकुलर नॉर्मलिटी का सपोज इन टू नॉर्मल और ये हम लेंगे एक ब्यूरेट में सो so ब्यूरेट से ड्रॉप अगर हम के एम एन ओ फोर को उस particular solution में add तो क्या होगा? जो कुछ ऑक्जलट एनायन ऑलरेडी पायरुसाइड का जो एम एन ओ टू है उससे कंज्यूम हो चुका है बाकी का जो बचा है ऑक्जलैट एनायन उसको हम के एम एन ओ फोर से टाइट्रेट कर रहे हैं और दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज नोन एज बैक टाइट्रेशन और यहाँ पे भी आप सेम तरीके से दो रिएक्शन जो प्रोबेबल है उसको कंपेयर करके फाइनल रिएक्शन में आओगे जैसे एसिड के प्रेजेंस में रिड्यूस होके एम एन टू प्लस में कन्वर्ट होता है जिसका ई जीरो वैल्यू है वोल्ट ऑक्जालेट एन एन रिलेटेड जो रिडक्शन रिएक्शन है दैट इज टू सीओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन और इस रिएक्शन का रिडक्शन वैल्यू है माइनस जीरो पॉइंट फोर नाइन वोट सो ई एम एफ का रूल वाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रूल वाइज जिस रिएक्शन का ई एम एफ वैल्यू ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा सो so, यहाँ पे मैंगनीज है प्लस सेवन स्टेट में सो so ये रिड्यूस होके एम एन टू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इन दिस केस लाइक प्रीवियस एन एन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा सो दैट विल बी सी टू ओ फोर टू माइनस विल बी कन्वर्टेड टू टू सीओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन अब हमें इन दोनों को करना बैलेंस करना है क्यों बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे है फाइव इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड में है टू इलेक्ट्रॉन सो इस रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ फाइव और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ टू सो फाइनली हमारे पास जो रिएक्शन आएगा दट विल बी टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस एच प्लस प्लस फाइव सी टू ओ फोर टू माइनस दिस विल बी योर फाइनल रिएक्शन बट हमें इतना कुछ पता नहीं हम तो ब्यूरेट से के एम एन ओ फोर को ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे और देखेंगे एंड पॉइंट में पूरा सोल्यूशन पिंक कलर में कब कन्वर्ट हो रहा है एंड एट दट एंड पॉइंट वी विल नोट द वैल्यू टाइटर वैल्यू अब टाइटर वैल्यू आया है, V2 ML, मतलब V2 हुआ है तो अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है प्रैक्टिकल एनालिसिस से अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास सबसे पहले W ग्राम पायरलोसाइड सैंपल था वहां से हमने टू फिफ्टी एम एल स्टॉक सोल्यूशन बनाया वहां से फिर ट्वेंटी फाइव एम एल सोलूशन को अलग ले लिया उसके साथ सलफ्यूरिक एसिड और सोडियम ऑक्जलेट का रिएक्शन करवाया जहाँ पे सोडियम ऑक्जलेट था V1 ml और N1 वन नॉर्मल और रिएक्शन पूरा होने के बाद इस सोल्यूशन को हमने टाइट्रेट किया केमिनोफोर सोल्यूशन से और केमिनोफोर सोल्यूशन हमारा N2 टू का था कितना कंज्यूम हुआ V2 ml कंज्यूम हुआ तो अब आप बताओ कि ये केमिनोफोर किससे कंज्यूम हुआ ये कंज्यूम हुआ जो अमाउंट ऑफ ऑक्जलेट एनायन एनायंस बचा हुआ था सोल्यूशन में आफ्टर रिएक्टिंग विथ पायरोलुसाइट जो अमाउंट ऑफ ऑक्ज एनायन बचा हुआ था कितना वो हमें मालूम नहीं वो इसके साथ रिएक्शन किया अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला है एन टू वी टू इक्वल्स टू एन वन वी वन एन टू क्या है एन टू है जो टाइट ट्रेंड था दैट इज इन ब्यूरेट उसका नॉर्मलिटी और वी टू है केमिनोफोर का वॉल्यूम जितना कंज्यूम हुआ इक्वल्स टू होगा एन वन एन वन मतलब ऑक्जेलिक एसिड का नॉर्मलिटी लेकिन V हमें पता नहीं ऑक्जलिक एसिड हमने सबसे पहले लिया था V1 वन लेकिन अभी V1 वन बचा नहीं था क्योंकि कुछ अमाउंट ऑलरेडी पायरोलोसाइड के साथ रिएक्शन कर चुका है सो so, सोल्यूशन में लेस देन V1 वन एम एल एसिड बचा हुआ है अब उस लेस देन V1 वन एम ऑक्जेलिक एसिड को हम एज्यूम कर लेते हैं वी एक्स सो एन टू वी टू इक्वल्स टू वी एक्स एन वन इस रिएक्शन से आपको वी एक्स पता चल जाएगा क्योंकि बाकी का नॉन वैल्यू है सो दिस इज योर फर्स्ट कैलकुलेशन अब अगर आपको वी एक्स पता चल गया तो आप बताओ कि कितना अमाउंट ऑक्सैलिक एसिड कंज्यूम हो चुका है बाई दैट विल इनिशियल अमाउंट और वी एक्स है आखिरी में जितना बचा था जिसको हमने के मेनो फोर से बैकटाइट्रिशन किया मतलब इतना एम एल इन वन नॉर्मल ऑक्सलेट सोल्यूशन वॉज कंज्यूम्ड बाई द पायरोलूसाइट अब सिर्फ हमारे पास कैलकुलेशन बचा हुआ है और कुछ नहीं करना है इफ यू रिमें आपको मैंने बताया था याद रखने के लिएक्शन करता है सो so यहाँ पे वही वाला थ्योरी काम में आएगा कि थाउजेंड एम एल वन मोलर अगर हम ऑग्जलेट एनायन सोल्यूशन यूज करें तो वो कंज्यूम करेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000 ml, mol, या फिर 1 मोलर अब जो भी बोलो मैंगाइनस वी एक्स एम एल वन मोलर ऑक्सलेट सोलूशन विल बीवरेंट टू वी वन माइनस वी एक्स एम एल वन मोल या फिर वन मोलर एम एनो टू अब आप बताओ कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में अब आप बताओ कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन क्या है ये मैंने आपको बताया था कि मोलरिटी इन टू एन फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मलिटी और ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा तो ये जो एन फैक्टर है दैट इज नंबर ऑफ एच प्लस लिबरेटेड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्टेड इन एनी काइंड ऑफ रिएक्शन अब आप ऑक्जलट एनआन रिलेटेड कोई भी एक रिएक्शन उठा के देख लो वहां पे हमेशा दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ है फॉर दैट द फैक्टर विल विल बी बी इन केस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू और मोलरिटी अगर वन है सो so नॉर्मलिटी कितना होगा नॉर्मलिटी विल ऑल्सो बी टू सो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि V1 वन माइनस वी एक्स एम एल टू नॉर्मल ऑक्सलेट एन एन इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड सेम रहेगा V1 वन माइनस वी एक्स एम एल राइट हैंड साइड में हमें मोली रहने देना है

इथना एम एल वन मोल ऑफ एम एन ओ टू अब लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया सिर्फ राइट हैंड साइड का काम बचा है जिसके लिए आपको एम एन ओ टू का मोलिकुलर वेट जानना जरूरी है इज ग्राम और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो एम एल है वो अगले लाइन में हम एबोलिश कर देंगे तो भी मतलब सेम रहेगा क्योंकि हम साथ साथ मोल को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे सो वी वन माइनस वी एक्स इंटू एन वन बाई टू इन टू एवन ग्राम ऑफ एमेनो टू मैंने वन मोल के जगह जो मोलिकुलर वेट है ऑफ एमिनोटू उसको रिप्लेस कर दिया सो डिवाइडेड बाय टू करने पे आएगा so, V1 Vx N1, इतना ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड अब हम अभी तक वी एक्स लिखते आ रहे हैं लेकिन वी एक्स का वैल्यू हमने निकाला था विच इज एन टू वी टू बाई एन वन अब हम इसको रिप्लेस करेंगे by N1. So, in bracket V1 minus अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने रिप्लेस किया था क्योंकि एक सीमेट्री लाने के लिए इक्वेशन में ताकि आपको याद रहे सिंपली इतना ग्राम ऑफ मैंगनीस डाइ ऑक्साइड अब इतना ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड है कहाँ पे है ये जो अमाउंट है V1 Vx ml, जो हमारा स्टॉक सोल्यूशन जहां से हमने 25 एम उठाया था वो कितना था 250 हंड्रेड सो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एम एल ऑफ पायरुसाइड सोलूशन कंटेंस टेन इन इतना ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड अब यहाँ पे मैंने टेन को फोर्टी थ्री पॉइंट फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर सकता था और फोर थर्टी फाइव लिख सकता था लेकिन वो मैंने नहीं किया क्योंकि आखिर में हमें जनरलाइज करना है तब हम टेन को डायल्यूशन फैक्टर नाम से रिप्लेस करेंगे डायलूशन फैक्टर मतलब कोई अगर स्टॉक सोल्यूशन है वहां से डायलूट करके एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन अगर आप यूज करते हो तो हमें डायलूशन फैक्टर यूज करना पड़ता है सो द टोटल स्टॉक सोल्यूशन कंटेंट्स इतना ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और ये टोटल स्टॉक सोल्यूशन बना किससे था बना था डब्ल्यू ग्राम ऑफ पायरुसाइड से सो so हम लिख सकते हैं कि ग्राम ग्राम ऑफ इतना मैंगनीज डाइऑक्साइड चाहिए हंड्रेड ग्राम पायरुसाइड में कितना मैंगनीज डाइऑक्साइड है दैट इज द होल पॉइंट ऑफ परसेंटेज इन टू हंड्रेड आ जाएगा और नीचे सैंपल वेट आ जाएगा दैट इज डब्ल्यू तो फाइनली अगर आपको जनरलाइज करके लिखना पड़े परसेंटेज ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इन पैरसाइड कितना है तो आप कैसे लिखोगे सो दिस इज योर परसेंटेज कैलकुलेशन फॉर्मूला यहाँ पे आपको मेंशन करना क्या होगा आखिरी में एन वन क्या है एन टू क्या, क्या है और वी टू क्या है एन वन क्या है दैट इज नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्सलेट सॉल्यूशन वी वन है जितना ऑक्ट सल इनिशियली लिया था एन टू क्या है नॉर्मलिटी ऑफ द बैक टाइट्रेशन रिएजेंट दैट इज केवेफोर और V2 क्या है? टाइटर वैल्यू ऑफ के मतलब so अब और एक चीज था मैंगनीज ऑक्साइड विच इज MnO. ओ के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है पहले एम एन ओ टू का परसेंटेज निकालना है फिर थियोरिटिकली आपको निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ एम एन ओ रह सकता है और उसके लिए आपको एम का मॉलिक्यूलर वेट जानना पड़ेगा विच इज ऑफ वन जो आपको पता चल गया है इस फॉर्मूला से मान लीजिए द परसेंटेज ऑफ एम इज एक्स परसेंट दैट विल इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम दैट इज सेवेंटी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम दैट इज एटी सो so, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा परसेंटेज एम एन ओ इक्वल्स टू जीरो पॉइंट एट टू दैट इज परसेंटेज ऑफ एम एन दिस इज योर एम एन ओ एस्टिमेशन फॉर सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे